अभी कितना है आगे? थोड़ा अरे वो आगे बोला 100 मीटर है, हम लोग 500 मीटर आगे। नीचे दिख रहा है वाइट वाइट। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड सीरीज के 6 व्लॉग में। और आज हम ऋषिकेश में सबसे फेमस वाटरफॉल द सीक्रेट वाटरफॉल की विजिट करेंगे और जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन द सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने उत्तराखंड सीरीज के फर्स्ट 5 वीडियोज नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड सीरीज का हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग ऋषिकेश में करीबन 1 महीने के लिए रुके थे वर्क फ्रॉम ऋषिकेश। और जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये सुंदर ये बेहतरीन वाटरफॉल है। तो हर 2-3 दिन पे हम ये वाटरफॉल पे जाया करते थे। और ये जो वाटरफॉल है उसके आगे भी एक मेन सीक्रेट वाटरफॉल है, और वो जो मेन सीक्रेट वाटरफॉल है उसके करीबन 2 किलोमीटर आगे एक हिडन वाटरफॉल है। तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, और उसके आगे पूरा एक गांव है जहाँ पे शिवजी का टेम्पल है और गुफा भी है लोग कह रहे हैं। और वो जो गुफा है उसके बाजू में से ये जो वाटरफॉल का जो पानी है उसका जो सोर्स है वो वहाँ पे ऊपर है। तो वहाँ तक तो हम लोग नहीं गए, लेकिन इसके ऊपर जो हिडन वाटरफॉल है वो हम आपको दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सीक्रेट वाटरफॉल के फर्स्ट पॉइंट पे एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जो मेन सीक्रेट वाटरफॉल है उस तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको काफी लोग मेडिटेशन करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये है वो द सीक्रेट वाटरफॉल, मतलब जो मेन सीक्रेट वाटरफॉल है वो। और इसके आगे आई थिंक करीबन 2 किलोमीटर ऊपर एक हिडन वाटरफॉल है, मतलब हम जो मेनली जो इंडियंस है उन लोगों को पता नहीं है कि ऊपर भी एक हिडन वाटरफॉल है जहाँ पे बेहतरीन फ्लो है। और वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब अगर एंजॉय करना हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और अभी ये जो आप देख रहे हो वो है द मेन सीक्रेट वाटरफॉल। तो यहाँ पे भी हमने एंजॉय किया था और बहुत ही मज़ा आया था। एक्चुअली जब हम यहाँ पे गए थे तो मेरा बर्थडे भी था, तो हमने हमारा बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। तो मतलब एक बोल सकते हैं ना कि काफ़ी एंजॉय हमने किया था यहाँ पे द सीक्रेट वाटरफॉल पे।
तो दोस्तों यहाँ पे द मेन सीक्रेट वाटरफॉल पे फुल एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए ऊपर, जो हिडन वाटरफॉल है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे निकल गए करीबन 1.5-2 किलोमीटर ऊपर। तो जयमीन सर अभी थक गए, थोड़ा बाद में चलते हैं। अरे यार वाटरफॉल थोड़ा दूर है, जहाँ थोड़ी सी हिम्मत कर दो, अभी थोड़ा थक गया हूँ। अरे यार थोड़ी देर में, ऐसा नहीं होता। अभी कितना है आगे? अरे वो आगे बोला 100 मीटर है, हम लोग 500 मीटर आगे ऊपर। फिर भी अभी सीक्रेट वाटरफॉल नहीं आ रहा है। हाँ पहला वाला वो मस्त है। हाँ अच्छा, तो ये दूसरा वाला वाटरफॉल है, चलो चलते हैं। और क्या नीचे, मतलब पूरे एंड पे लाके रखी है, टायर में जान है, पावर में का इंजन है ना, बहुत बड़ा खेत लेता है। उधर पत्थर है ना, इसे भी जाएगा। ये देखो मतलब परफेक्ट पार्किंग किया हुआ है, और पीछे पूरी खाई पहाड़ आप देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो हिडन वाटरफॉल है वहां तक पहुंच गए हैं, और ये वहां तक जाने का रास्ता आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ये जो वाटरफॉल है उसका जो मेन स्रोत है वो वहाँ पे है, जहाँ पे एक शिवजी का टेंपल भी है और एक गुफा भी है। लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करते हो तो ऊपर तक ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों वाटरफॉल पे एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए वापस जहाँ पे हम लोग एक मंथ के लिए रुके थे। अगर आपको जानना है कि हम लोग कहाँ पे एक मंथ के लिए रुके थे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप फुल वीडियोस देख सकते हो। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।